गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। नहीं, गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्त, आज मैं पहली बार किसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जा रहा हूँ। वाह, अमेजिंग फीलिंग है यार। और मैं भाषण दूंगा स्कूल में। भारत माता की, भारत वीरों की। वाह छोटे चैंपियन, पता है भारत वीरों की जब हम बोलते हैं ना, तो भारत को जो वीर हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन लोगों में एक चीज बहुत कॉमन थी, पता है क्या? उनको अपने लक्ष्य का पता था, उनको अपने ड्रीम पता थे, लक्ष्य पता था कि हमको अपने यहां से अंग्रेजों को बाहर निकालना है, अपने भारत को आजाद करना है। उनके इस लक्ष्य ने उनको इतना मजबूत बनाया था कि वो सीने पर गोली खाने के लिए, फांसी पर चढ़ने के लिए रेडी रहते थे। मतलब यही है, अगर हम अपने लक्ष्य पर बने रहे ना, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल बन जाता है। मैं बताऊं, जब मैं अफ्रीका जा रहा था, तंजानिया, तो पूरे भारत से केवल 12 लोग ऐसे थे जो उस पर साइकिल से पहुंचे थे। और मैं भारत का पहला इंसान था, मैंने कभी पहाड़ों पर साइकिल नहीं चलाई थी, मैंने बस रोड पर साइकिल चलाई थी पूरे अपने भारत में। मैंने अपने यही गांव में, जुटे हुए खेतों में, नदी के किनारे साइकिल चलाकर उतारकर अपनी प्रैक्टिस की कि पहाड़ों पर कैसे साइकिल चलाते हैं। और मैं गया, अफ्रीका गया, वहां किलिमंजारो पता किया, अपने भारत का तिरंगा झंडा ला रहा है, और मैं भारत का पहला इंसान बना वहां पर साइकिल से पहुंचने वाला। जब हम अपने लिए केवल सोचते हैं ना, केवल अपने लिए, तो हमारी सोच बहुत छोटी रहती है, बहुत ही छोटी रहती है। लेकिन जब हम अपने देश के लिए कोई भी चीज सोचने लगते हैं ना, तो चीज अपने आप बहुत बड़ी बन जाती है। जैसे अगर हम किसान ही हो, अगर हम बस अपने लिए सोचे ना, तो बस हम उतना ही किसान से खेती करके निकाल पाएंगे जितना हमारा लागत लगा हो, या फिर थोड़ा सा कुछ और इनकम जिसमें घर चले जाए। लेकिन जब हम अपने देश के लिए सोच कर किसानी करेंगे ना, उसी खेत से 12 सालों साल कुछ ना कुछ निकलते रहेगा। आप छोटे बच्चे ना, आप इस देश के होने वाले चैंपियन हो। ड्रीम बड़े रखना। आज अभी देश में बस एक चीज की अब जरूरत है, बड़े इंजीनियर की, बड़े किसानों की, बड़े उद्योगपतियों की, जो अपने लिए नहीं सोचे, अपने देश के लिए सोचे, अपने इस तिरंगे के लिए सोचे। यकीन मानो, जो बंदा बैठ इंसान अपने तिरंगे के लिए सोचने लगेगा ना, उसको भारत अपने आप जानेगा और उसको सलूट करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाइए।